प्यारे बच्चों, ऑल इज़ वेल। हिंदी के कक्षा में मैं संगीता ठाकुर आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिंदी वसंत भाग दो कक्षा सातवीं से अगला चैप्टर, जो कि एक कविता है, शाम एक किसान, हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 जिला बस्ती उत्तर प्रदेश भारत में हुआ। वाराणसी तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अध्यापन व पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। यह आकाशवाणी में सहायक निर्माता तथा पराग पुस्तक के संपादक रहे। सन 1983 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य लिखे। इनके जो भी रचनाएं थी उनका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। काव्य संग्रह इनके इस प्रकार से हैं, जैसे खुटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, गर्म हवाएं, एक सुनी नाव और काट की घाटियां। इसके बाद एक उपन्यास उड़े हुए रंग बहुत प्रसिद्ध हुआ। नाटक बकरी जो बहुत पसंद किया गया। बाल साहित्य भी इन्होंने लिखे, जैसे महंगू की टाई, बतूता का जूता, लाख की नाक और भो भो खो खो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की मृत्यु 24 सितंबर 1983 को हुई। इस प्रकार से ये हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही योगदान रहा। इस पाठ को शुरू करने से पहले या इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता का माइंड मैप जान लें कि इसमें किन किन बातों का संग्रह है। इसमें हमें संज्ञा शब्द मिलते हैं, जैसे नाम है, पहाड़ है, किसान है। विशेषण कहें तो विशेषण शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अलंकार का प्रयोग किया गया है, रूपमा और मानवीकरण अलंकार का इसमें बहुलता से या प्रमुख रूप से वर्णन है। नए शब्द पढ़ने को मिलेंगे। प्राकृतिक उपादान है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, नदी, पहाड़ आदि। तो इस कविता में ये हमें सब मिलेगा। अब हम इस कविता की व्याख्या पढ़ेंगे बेटा। तो शाम एक किसान कविता में कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति के उपादानों के साथ मनुष्यों की तुलना की है, उसे मानवीकरण कहा गया है। मानवीकरण का मतलब यही होता है कि प्रकृति के या किसी अन्य वस्तुओं के साथ मनुष्यों की तुलना करना। जैसे कवि ने पहाड़ को देखा, वो प्रकृति का उपादान है, प्रकृति की वस्तु है, और उसमें किसान का मानवीकरण कर दिया, मतलब एक मनुष्य का उसमें चित्र देखना उसे मानवीकरण करना कहते हैं। ठीक, तो कविता में प्रकृति का मानवीकरण है। बच्चों, हम जब आकाश की ओर देखते हैं तो कई बार हमें बादलों के छोटे छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं। उन टुकड़ों को देखने से हमें कभी ये कल्पना होती है या हम कल्पना करते हैं कि अरे ये तो बकरी के आकार का दिखाई दे रहा है, या घोड़ा दिखाई दे रहा है, या कोई छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है, या कोई बैठा हुआ है इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसी कल्पना करते हैं। तो ऐसी ही एक कल्पना कवि ने एक जाड़े की शाम, मतलब ठंड की शाम में कवि टहल रहे थे या घूम रहे थे, उन्होंने एक पहाड़ को देखा। सूर्य डूब रहा था और उस समय उस पहाड़ को देखा और कवि को उनकी कल्पना में ये चित्र दिखाई दिया कि ये पहाड़ तो एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। तो पहाड़ को किसान के रूप में कवि ने कल्पना की और बादलों को किसान की पगड़ी के रूप में, सर पर जो साफा बंधा होता है, उसकी कल्पना कवि ने की है। तो चलिए बच्चों, हम इस कविता को और विस्तार से पढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कविता में मानवीकरण और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और उपमा अलंकार का, मानवीकरण अलंकार का तो बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने इस कविता में चित्रण किया है। प्राकृतिक उपादान भी है, सूर्य, चंद्रमा, नदी आदि। तो बच्चों, हम कविता शुरू करने से पहले इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। साफा अर्थात पगड़ी, मैंने अभी आपको बताया। चिलम
चिलम एक प्रकार का एक ऐसी वस्तु है जिसमें हम तंबाकू भरते हैं और फिर उसके ऊपर आग का डल्ला रख दें, कोयले का जलता हुआ टुकड़ा रख दें, तो फिर उसको ऐसे ऐसे करके उसको पिया जाता है, श्वासों के माध्यम से उसको हवा उसमें दी जाती है और वो तंबाकू जलती है, तो वो चिलम कहलाती है। दहकना मतलब सुलगना, पलाश लाल रंग के फूल को कहा है। अंगीठी मतलब सिगड़ी, आप सबको पता है, जिसमें कोयले जलते हैं। पूर्व मतलब पूर्व दिशा, सिमटा मतलब इकट्ठा होना। गल्ला कहा है यहाँ समूह या झुंड को, गल्ले। अचानक एकाएक, औंधी मतलब उलट पड़ी और डूबा मतलब अस्त हुआ। कविता इस प्रकार से है बच्चों, ध्यान दें। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। चादर सी यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया, नदी के ऊपर, नदी जो है वो एक चादर के समान कल्पना कवि कर रहे हैं। चलिए, तो आकाश का साफा बांध कर, मैंने कहा कि एक पहाड़ को कवि ने देखा और उस पहाड़ के रूप में किसान को देखा, जैसे लगा किसान बैठा हुआ है और साफा बांधा हुआ है उसने किसका, बादलों की एक टुकड़ी का साफा उसके सर पर बंधा हुआ है। सूरज की चिलम खींचता, सूरज की चिलम खींचता इसलिए, देखिए वहाँ पर चिलम का चित्र भी मैंने आपके लिए रखा है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे होती थी चिलम। हुक्का भी इसी तरह का होता है जिसको मुंह में पाइप लगाकर पिया जाता है, उसको वो भी श्वास के माध्यम से ही होता है, ठीक। तो सूरज की चिलम खींचता, अब सूरज की चिलम खींचता क्यों कहा है बच्चों कवि ने, ऐसा इसलिए कहा है कि पहाड़ बैठा हुआ है, सर पर पगड़ी बंधी हुई है, साफा बंधा हुआ है और सूर्य डूब रहा है, तो वो सूर्य जो उस समय लाल रंग का दहकता हुआ एक गोल आकार का जो दिखाई दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि चिलम है उसके हाथ में किसान के, और उसके ऊपर वो अंगारा रखा हुआ है और वो चिलम पी रहा है, अर्थात उसको खींच रहा है। बैठा है पहाड़, पहाड़ आराम से किसान के रूप में चिलम पीते हुए बैठा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, नीचे जो नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे किसान के घुटनों के ऊपर एक चादर डली हुई है। यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया है। ये बच्चों इस कविता का अर्थ है, व्याख्या है, जो हमने भी पंक्तियाँ पढ़ी कि पहाड़ी क्षेत्र की शाम का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। कवि ने मन ही मन में पहाड़ को बैठा हुआ किसान माना है, आकाश को किसान के सिर पर बंधा हुआ साफा कहा है, सूरज को जलते हुए हुक्के की या चिमनी माना है, पहाड़ के ऊपर जो नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे किसान के घुटनों पर चादर पड़ी है। चलिए अब हम कविता का अगला पैरा देखें। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। यहाँ पर पास ही दहक रही है, किसान बैठा हुआ है, जंगल पास में है और वहाँ पर पलाश के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और आप तो जानते ही हैं पलाश के पेड़ों पर लाल रंग के फूल होते हैं, उस पर फूल ज़्यादा होते हैं उस पलाश के पेड़ पर, तो ऐसा लग रहा है कि किसान बैठा हुआ है, चिलम पी रहा है और उसके पास ही एक पलाश की अंगीठी, अंगीठी मतलब सिगड़ी। देखिए मैं चित्र में आपको यहाँ इस तरफ बता रही हूँ कि अंगीठी मतलब सिगड़ी किसको कहते हैं, उसमें अंगारे होते हैं और वो जलते हैं, तो वो पलाश के पेड़ के ऊपर जो फूल लगे हैं वो भी ऐसे लग रहे हैं जैसे किसान अपने पास में ठंड के दिनों में एक सिगड़ी रख कर बैठा है और उसमें कोयले जल रहे हैं, दहक रहे हैं, क्योंकि पलाश के लाल फूल लाल लाल दहक जैसे दहक रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं जैसे वो दहक रहे हों। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, अंधेरा जो है वो इस पलाश की लालिमा से और सूर्य जो डूब रहा है उसकी लालिमा से अब थोड़ा थोड़ा अंधकार भी होने लगा है, तो वो लालिमा जो है वो ऐसी लग रही है कि अंधेरा आप कहीं दूर अभी पूर्व में बैठा है। देखिए पूर्व में सूर्य उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, जब वो पश्चिम में अस्त हो रहा होता है तो उधर लालिमा होती है, लेकिन पूर्व दिशा उसकी दूसरी अपोजिट जो दिशा है वहाँ पर अंधकार छाने लगता है, तो अंधकार दूर पूर्व में चुपचाप ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे शाम के समय सारी भेड़ें या बकरियां घास वास चरने के बाद आकर चुपचाप शांति से वहां पर बैठ गई हो, तो वो अंधकार भी भेड़ों के गल्ले मतलब भेड़ों के समूह जैसा दिखाई दे रहा है। आगे होगा आपको ये समझ में बेटा, आगे देखिए।
ये इसकी व्याख्या है इसका भी, ये जो अभी हमने पंक्तियाँ पढ़ी कि सफ़ेद चादर पैरों पर डली है, पहाड़ों के आसपास पलाश का जंगल है, लाल रंग के फूल होते हैं, कवि ने उसको जलती हुई सिगड़ी कहा है, अंगीठी कहा है ना, और भेड़ों के झुंड को, अंधेरे को भेड़ों के झुंड के समान माना है। आगे देखिए, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब इस सूरज डूब रहा है शांत वातावरण में, अचानक मोर बोला, जैसे ही मोर के कूकने की या बोलने की आवाज़ आती है, ऐसा लगा किसान को जैसे किसी ने आवाज़ दी। ठीक, मतलब यहाँ पर उस प्राकृतिक दृश्य को आप अपने कल्पना में लाइए कि जैसे वहाँ पर अचानक अंधकार छाया, ठीक, अभी अंधकार नहीं छाया, जैसे सूर्य डूब रहा था, किसान बैठा हुआ था और अचानक मोर बोला तो किसान को ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी कि सुनते हो, और अचानक किसान जो कि अभी तक ध्यान मग्न बैठा हुआ था उसकी तंद्रा भंग होती है और उसके हाथ से वो जो चिलम है वो छूट जाती है, ओंधी हो जाती है। देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, जैसे ही वो चिलम छूट उसके हाथ से छूटती है, ओंधी गिरती है, तो अंगारे बुझ जाते हैं और धुआं उठने लगता है, अर्थात सूर्य जो अभी तक थोड़ा लाल दिखाई दे रहा था वो अचानक क्या हुआ, पूरी तरह से डूब गया, मतलब चिलम किसान के हाथ से गिर गई और सब तरफ अंधकार छा गया और अंधेरा हो गया और किसान अपनी उस तंद्रा से जाग गया जैसे उसे किसी ने आवाज़ दी हो। आगे वही कि अंधेरा गिर जाता है, तभी अचानक मोर बोलता है और मोर की आवाज़ सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसान को आवाज़ दी और कहा हो कि सुनते हो भाई। और अब तक कवि जो अपनी कल्पना में खोया हुआ था या जो किसान अभी तक अपनी कल्पना में बैठा हुआ था वो वास्तविक संसार में आवाज़ देने से लौट आता है। जिस सूर्य को जलती हुई चिलम कवि समझ रहा था वो अब बुझ चुकी है क्योंकि सूरज डूब चुका है, अर्थात रात हो चुकी है। तो बच्चों आपको ये हमारी कविता यहीं समाप्त होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह प्रकृति का मानवीकरण जो कवि ने इस कविता में किया है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको बहुत यह कविता पसंद आई होगी और आपको व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। तो चलो बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ, इस चैप्टर को आप और अच्छी तरह से देखें और समझें। धन्यवाद।